नमस्कार, मैं मुस्कान राजे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जुर्म की दास्तान के दूसरे एपिसोड में। आज की जो कहानी है ये एक ऐसे कपल की है जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है क्रिस्टोफर और सैनन की। क्रिस्टोफर को यहाँ मैं क्रिस नाम से बुलाऊंगी और सैनन, ये कहानी क्रिस्टोफर और सैनन की है। क्रिस्टोफर और सैनन दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन क्रिस ने डिसाइड किया कि हम डिनर पे चलते हैं। क्रिस ने सैनन से कहा कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ। क्रिस और सैनन दोनों एक साथ डिनर पे गए। फिर दोनों का एक प्लान बना कि हम एक पार्टी में जाएंगे, जहां सैनन ने क्रिस से कहा कि तुम मुझे मेरी दोस्त के यहाँ छोड़ दो ताकि मैं पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं। जैसे ही सैनन पार्टी के लिए अपनी दोस्त के यहाँ तैयार हुई, वैसे ही जो सैनन की फ्रेंड है वो बोली कि चलो हम पार्टी में चलते हैं। पर सैनन पार्टी में बिना क्रिस के नहीं जाना चाहती थी। सैनन ने अपनी फ्रेंड से बोला कि एक बार क्रिस को आ जाने दो, मैं क्रिस के साथ जाऊंगी, तुम चली जाओ। जैसे ही सैनन की फ्रेंड सैनन को छोड़ के निकलती है, क्रिस बकायदा सैनन को लेने आता भी है, पर दोनों अचानक से कहां गायब हो जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। सैनन की जो दोस्त है जो उसे लिए बिना पार्टी में निकल जाती है, वो लगातार उसे कॉल करती है। जितने भी दोस्त हैं सारे सैनन को और क्रिस्टोफर को कॉल करते हैं कि ये लोग आखिर रह कहाँ गए, अभी तक पार्टी में नहीं क्यों नहीं पहुंचे, आखिर ऐसा दोनों के साथ क्या हुआ था जो दोनों पार्टी में नहीं पहुंच पाए। दोनों जो क्रिस्टोफर है वो पार्टी में लेने के लिए सैनन को पहुंचा तो जरूर, पर दोनों पार्टी में पहुंचे नहीं। जहां जो सैनन की दोस्त है उसे लगातार कॉल करती रही, उसके जो सारे दोस्त हैं क्रिस्टोफर और सैनन को लगातार मैसेज करते रहे कि आखिर क्रिस्टोफर और सैनन दोनों कहाँ गए, ऐसा क्या हुआ दोनों के साथ जो पार्टी में नहीं पहुंच पाए। दोनों रात भर कॉल करते रहे। दोनों के दोस्तों को चिंता हो रही थी, पर इस चिंता में दोनों के परिवार भी थे, क्रिस्टोफर के पेरेंट्स भी और सैनन के पेरेंट्स भी। दोनों इस चिंता में थे कि आखिर दोनों कहाँ रह गए, दोनों पहुंचे क्यों नहीं। जो क्रिस्टोफर की सहेली है, क्रिस्टोफर सैनन को लेने उसकी दोस्त के घर पहुंचा जरूर था पार्टी के लिए उसको लेने, पर दोनों पहुंच नहीं पाए पार्टी। तो जो सैनन की दोस्त जो सैनन से पहले निकल गई थी, उसने लगातार क्रिस्टोफर को, क्रिस और सैनन को, दोनों को कॉल किया, पर दोनों कॉल नहीं उठा रहे थे। मैसेजेस भी भेजे उनके सारे दोस्तों ने जो पार्टी में थे, उन सब ने उन्हें कॉल मैसेज किया, पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरे दिन ही जो सैनन की फ्रेंड थी, जो सैनन की माँ थी, जब उसको ये लगा कि अब सैनन का कहीं पता नहीं चल रहा है, तो उसने पुलिस की हेल्प लेनी, जैसा कि कानून है कि 24 घंटे से पहले, जो क्योंकि वो एडल्ट्स थे, 24 घंटे से पहले गायब होने पे FIR दर्ज नहीं की जा सकती। तो जो सैनन की माँ थी, और ऐसा नेटवर्क भी ऐसे नहीं बता सकते, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकते कि सैनन की एग्जैक्ट लोकेशन आखिर कहाँ थी, लास्ट टाइम उसका कॉल फोन जो था कहाँ एक्टिवेट था, रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं तो ऐसे नहीं दे सकते। पर सैनन की माँ के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसको लोकेशन बताई, उनको बताया कि जो लास्ट टाइम जो सैनन का फोन था वो चेरिस स्ट्रीट के पास एक्टिवेट था। चेरिस स्ट्रीट एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी गली जहाँ पे लोग जाने से पहले 5-6 बार सोचेंगे, क्योंकि वो जो इलाका था वो सेफ गुंडों बदमाशों से, गैंगस्टर से भरा हुआ था। जब वहां पे सैनन की लास्ट लोकेशन बताई लोग और पुलिस ने ये देखा, तो लोगों को पता चल गया, और जो सैनन की माँ थी उसको भी पता चल गया, और पुलिस को भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ। जैसे ही सैनन की माँ को पता चला जो सैनन की लास्ट लोकेशन जो है चेरिस स्ट्रीट पे आ रही है, तो सैनन के दोस्त थे और सैनन की माँ दोनों ही चेरिस स्ट्रीट पे जा पहुंचे। पर वहां देखा तो जो सैनन की SUV थी वो वहां खड़ी, जैसा कि सैनन के बारे में पता चला है कि सैनन जो थी बहुत ही ऑर्गेनाइज लड़की थी, साफ सुथरी लड़की थी, अपने आसपास सफाई और गाड़ी वगैरह का काफी केयर करती थी वो। पर उस दिन जब गाड़ी खोली तो पता चला कि गाड़ी जो थी वो पूरी बिखरी हुई पड़ी, उसका आईपैड गायब था, उसका काफी सामान जो था गाड़ी से गायब था, और सबसे स्ट्रेंज जो बात वो ये कि जो गाड़ी की जो सीट वो बहुत पीछे को खिसकी हुई थी, कि अगर कोई एक ड्राइवर गाड़ी चलाने की कोशिश करे वहां पे वो पेडल पे या ब्रेक पे पांव लगाए तो वो पांव वहां तक पहुंचेंगे नहीं, इतनी पीछे वो सीट। जैसे ही ये सब देखा तो उन लोगों के दिमाग में काफी कुछ सवाल आए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है दोनों के साथ। जैसे ही पुलिस को पता चला कि जो मामला है ये बहुत गंभीर है, वैसे ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने सबसे पहले जांच शुरू की सैनन की SUV से जो वहां चेरिस स्ट्रीट पर मिली थी। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले जो कि सैनन और जिसके थे, साथ में कुछ और लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स थे, और पुलिस को एक सिगरेट मिली। जैसा कि सैनन की मां ने
पुलिस को बताया कि सेनन और क्रिस्टोफर सिगरेट नहीं पीते थे। तो आखिर वो सिगरेट थी किसकी? जाहिर सी बात है वो किसी तीसरे इंसान की सिगरेट थी। जैसे ही ये जो सबूत पुलिस ने इकट्ठा करे और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर, जैसे ही जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो पुलिस ने जो है फॉरेंसिक टीम को दिए। फॉरेंसिक टीम ने जब निकाला तो देखता है कि पुलिस ने जैसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और जैसे ही पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स की जांच शुरू, तो पुलिस को ये पता चला ये जो फिंगरप्रिंट्स है ये एक डेविडसन नाम के अपराधी के फिंगरप्रिंट्स है, जो एक कार चोर। डेविडसन जो था वो बहुत ही खूंखार अपराधी जिसने काफी गाड़ियां चुराई थी और गाड़ी की चोरी के बेसिस पे ही ये जेल गया। जैसे ही पुलिस ने अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और जांच करना शुरू की, तो पुलिस को एक रेलवे ट्रैक दिखा जहां पे क्रिस की बॉडी पड़ी थी, जो कि कंबल में लिपटी पूरी तरीके से जली हुई। उस बॉडी का इतना बुरा हाल था कि जो क्रिस का जो जीन्स था उससे क्रिस के हाथ बांधे हुए थे, क्रिस का जो गला था वो उसके मोजे से बांधा हुआ था। इतनी बुरी हालत क्रिस की थी। जैसे ही पुलिस ने क्रिस की बॉडी बरामद की उसे वैसे ही ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। ऑटोप्सी के बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। क्रिस के बॉडी से स्पर्म मिला। आखिर वो स्पर्म किसका था? ये जैसे ही जांच करके, जैसे ही ऑटोप्सी की जांच हुई, जैसे ही फॉरेंसिक वालों ने जांच की, तो पता चला कि जो स्पर्म था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिस की जो बॉडी थी वो रेलवे ट्रैक पे जली हुई मिली थी। जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोप्सी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था कि जो क्रिस्टोफर की जो बॉडी थी उससे एक स्पर्म मिला था, वो स्पर्म किसका था? ये अपने आप में ही एक एक हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि क्रिस्टोफर था वो तो सेनन को लेने गया था ना। अब हम वहां जाते हैं जहां से हमने स्टोरी स्टार्ट की कि जो क्रिस्टोफर था वो सेनन को लेने गया, दोनों गए, मिले भी, दोनों पार्टी के लिए निकले भी, पर रास्ते में ऐसा क्या हुआ? अब ये बात यहाँ आके रुकती है। जैसे ही क्रिस्टोफर, क्योंकि क्रिस्टोफर एक ट्रक चलाता था जो मिनी ट्रक था, वो उससे सेनन को लेने पहुंचा। सेनन ने डिसाइड किया कि हम अपनी मेरी एक्सयूवी से पार्टी में चलें। दोनों सेनन की एक्सयूवी में बैठे और पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों एक दूसरे के प्यार में थे, तभी जो हमलावर थे उन्होंने उसकी गाड़ी पे हमला कर दिया और उनपे बंदूकें तान दी। दोनों घबरा गए। जैसे ही जो हमलावर थे, जो उनको लगा कि यहाँ पे इन लोगों पे अटैक करना, हमलावरों का जो मोटिव था वो सिर्फ लूटना था। जैसे ही हमलावरों को लगा कि यहाँ पे इन पे अटैक करना सेफ नहीं रहेगा, कोई भी देख सकता है, तो हमलावर क्रिस्टोफर को और सेनन को दोनों को साइड में करके उनकी गार में बैठ के चेरिस स्ट्रीट पे ही ले। जो अपराधी थे उनके चेहरे कुछ ऐसे थे। जैसे ही अपराधी क्रिस्टोफर और सेनन को एक जगह लेके गए, उनके साथ उन्होंने अपनी सारी बर्बरता दिखाई, सारी क्रूरता दिखाई। एक उसमें से ऐसा इंसान था जिसने क्रिस्टोफर पे अंधाधुन गोलियां चलाई और उन्हें उसे कंबल पे बांध के लपेट के रेलवे ट्रैक पे मरने के लिए छोड़ दिया। जो पांच अपराधी थे उनमें से चार अपराधियों ने क्रिस्टोफर का पहले रेप किया था, इसके बाद उसे जला के छोड़ दिया। साथ में अब जब सेनन की बारी आई तो सेनन के साथ भी वैसे ही किया जैसा क्रिस्टोफर के साथ किया था, उसके भी कपड़े। जैसे ही पुलिस को सच्चाई का पता चला, पुलिस ने पांचों अपराधियों को ढूंढना शुरू किया। पुलिस को ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, इन दोनों को अपराध में शामिल होने की सजा सुनाई गई और सेनन के साथ जो अपराध जिस घर में हुआ वहां पे इन दोनों के नाम का स्टैचू बनाया गया। लोगों ने जब ये अपराध सुना, ये हैवानियत का जो एक किस्सा है ये सुना, लोग सुनके रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है, कोई किसी लड़की के साथ, और एक लड़की ऐसा देख के अनदेखा कैसे कर सकती। वैनेसा चाहती तो सेनन की मदद कर सकती, वैनेसा चाहती तो सेनन को भागने में मदद कर सकती थी, वैनेसा चाहती तो वो उसे बचा भी सकती थी, पर वैनेसा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे ही क्राइम के किस्से सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए जुर्म की दास्तान में। मैं मुस्कान राजे आपसे विदा लेती हूँ।